ओके दोस्तों, तो अब हम लोग अलग अलग केसेस में केपी और केसी को कंप्यूट करना सीखेंगे। ठीक है, ये टेक्निक को हम लोग एक बार थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम लोग ये टेक्निक को ऑब्वियस कर लेंगे। राइट अच्छा, तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है इसके रिगार्डिंग वो है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम इन गैशियस फेज। विल कंसिडर द होमोजेनियस इक्विलिब्रियम इन गैशियस फेज। इसके अंदर हम लोग तीन चीज करेंगे। जो पहला केस करेंगे वो है डेल्टा एन इज इक्वल्स टू जीरो। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो हमारा गैशियस मोल्स का डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसका सिंपल एग्जांपल है, लेट्स कंसीडर द रिएक्शन एन टू गैस प्लस ओ टू गैस इन इक्विलिब्रियम गिव्स टू एनओ गैस। एन टू गैस प्लस ओ टू गैस गिव्स यू टू एनओ गैस। राइट, तो सवाल यह है, इनिशियली ए मोल कंसेंट्रेशन ऑफ एन टू तुम्हारा मान लो है ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ ओ टू मान लो है बी। ये वाला जो रिएक्शन है उसका केपी और केसी दे रखा है, तो पहले हम केसी को लेकर डील करते हैं। राइट अच्छा, हम पहले एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ केसी। राइट, हम इक्वेशन बना के छोड़ेंगे बट हम पहले एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ केसी, और ये देखेंगे जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट हमारा डालता है या नहीं डालता है। राइट, लेट्स सी। अच्छा दोस्तों, तो यहां पर अगर मैं देखूं एक चीज, तो रिएक्शन जो हो रहा है किस तरीके से हम हैंडल करते हैं वो देख लो एक बार। टू एनो गैस, सो ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा जीरो, ये ए माइनस एक्स है, ये बी माइनस एक्स है, ये टू एक्स है। मान लो एन टू एक्स मोल रिएक्ट किया, ये है हमारा टी इक्वल्स टू जीरो पर और ये है हमारा इक्विलिब्रियम पे। इनिशियली ये है ए, ये है बी, ये है जीरो, तो क्योंकि एक के साथ एक रिएक्ट करके दो पैदा करता है तो एन टू का जितना कंसेंट्रेशन कम होगा ओ टू का भी उतना ही कंसेंट्रेशन कम होगा और एनओ डेफिनेटली उसका डबल कंसेंट्रेशन के साथ बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो भी है वो तो हमारा डेफिनेटली फिक्स्ड है। तो जो चीज हम मोल्स के लिए लिख पाएंगे वो हम कंसेंट्रेशन के लिए भी डेफिनेटली लिख पाएंगे। तो दोस्तों केसी क्या आएगा, मेरे पास केसी क्या आएगा, ध्यान देना, दैट विल बी इक्वल्स टू टू एनओ, एनो का होल स्क्वायर बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एन टू कंसेंट्रेशन ऑफ ओ टू। राइट अच्छा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू फोर एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। राइट, समझ में आया। Now we have to form this quadratic. Solve this quadratic to get x. Solve this quadratic to get x. Okay. अब एक काम करते हैं, मान लो हम इनिशियल कंसेंट्रेशन नहीं लेते हैं,
इनिशियली N2, मैंने A मोल्स ले लिया और O2 मैंने B मोल्स ले लिया और अब मैं देखता हूं जो मेरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बदलता है या फिर नहीं बदलता है. लेट्स सी. तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ध्यान दो. जो N2 का इनिशियल कंसेंट्रेशन होगा वो होगा A बाई V, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज V. एंड O2 का जो इनिशियल कंसेंट्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू B बाई V. नाउ लेट लेट X मोल्स ऑफ N2 एंड O2 रिएक्ट्स एट इक्विलिब्रियम. N2 का X मोल ऑब्वियसली O2 का X मोल के साथ ही रिएक्ट करने वाला है. तो इससे मैं और एक चीज लिख सकता हूं, 2X मोल्स ऑफ NO इज फॉर्म्ड. NO का जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म होगा वो 2X होगा. तो इक्विलिब्रियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो N2 equilibrium will be A minus X by V. O2 equilibrium equals to B minus X by V. And NO ka jo equilibrium concentration hoga, that will be equals to 2X by V. So, ab agar main Kc likhta hoon, that will be equals to कंसेंट्रेशन ऑफ एनो का होल स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स इंटू वी इंटू बी माइनस एक्स इंटू वी. तो सिंपल सी बात है, ध्यान देना यहां पर, केसी जो आ रहा है मेरे पास ये आ रहा है 4x स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स. तो वॉल्यूम का टर्म यहां पर साफ साफ कट चुका है. सो वॉल्यूम का टर्म अगर कट चुका है तो मैं डेफिनेटली एक चीज बोल सकता हूं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी जो क्वाड्रेटिक कंसेंट्रेशन मानने पर आ रहा है वही सेम क्वाड्रेटिक मेरा मोल्स को मानते हुए आ रहा है. तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. हमने इसके बारे में बातचीत पहले भी किए थे, अब हम लोगों ने उस चीज को थियोरिटिकली दिखाए, सॉरी न्यूमेरिकली दिखाए. जो हमारा रिएक्शन है उस रिएक्शन का एक्सटेंट हमारा वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा. केसी यहां पर पहली बात है एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और हमारा जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. ये एक इंपॉर्टेंट फंडा है. नाउ केपी के बारे में अगर देखूं मैं, राइट, तो जब मैं केपी करता हूं बाकी सब चीज सेम ही है मेरा, ठीक है. इनिशियली ये ए मोल है, बी बी मोल है. तो लेट इक्विलिब्रियम प्रेशर इज इक्वल्स टू पी. जो टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर है वो मेरा कितना है, पी, राइट. अच्छा तो एक चीज ध्यान दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना आने वाला है मेरे पास, N2 का पार्शियल प्रेशर कितना आने वाला है. Now, what is partial pressure? किसी एक का मोल by total मोल into the total pressure. N2 का number of moles कितना हो जाएगा, A minus X. O2 का number of moles कितना हो जाएगा, B minus X. और NO का moles कितना हो जाएगा, 2X. और total moles अगर मैं देखूं तो obviously बात है इस reaction में total moles नहीं बदलने वाला है,
यानी a माइनस x प्लस b माइनस x प्लस 2x, दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस b. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ n2 जो आएगा दैट विल बी a माइनस x इनटू a प्लस b, द टोटल प्रेशर p. पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मेरे पास आएगा B माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इन टू पी. एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ NO आएगा 2x बाई ए प्लस बी इन टू पी. ये मेरे पास आ जाएगा. तो KP का जो वैल्यू आने वाली है, KP वो क्या हो जाएगा, P of NO का whole square by P of N2 into P of O2. ये मेरे पास KP आएगा. And now if I see जो हमारा कित आ गया है P of NO का whole square यानी 2x by A plus B into P का whole square divided by A minus x by A plus B into P into b minus x by a plus b into p. तो p square is cut. a plus b whole square, a plus b whole square cut. तो kp का value जो आ रहा है, that is simply coming out to be 4x square. And that is equals to kc. तो पहला फंडा तो यहां पर ये आ गया है, जो kp और kc हमारा equal है. और साथ ही साथ और एक important चीज, extent of reaction is independent of equilibrium pressure. जो हमारा extent of reaction है वो हमारा equilibrium pressure से independent है. Okay दोस्तों, अब दूसरा reaction देखते हैं. डेल्टा एन जी इज अ ग्रेटर देन जीरो. तो यहां पर जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो है पीसीएल फाइव गैस क्या है, पीसीएल थ्री गैस प्लस सीएल टू गैस. ठीक है. अच्छा, इनिशियली ए मोल्स पीसीएल फाइव वो मैंने लिया. इनिशियली पीसीएल फाइव कितना मोल लिया, ए मोल. और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, that volume of container is equals to V. अच्छा, ये assume कर लेना जो extent of reaction small है. ठीक है, फिर हम देखेंगे जो volume का क्या effect पड़ता है. ये assume कर लेना जो extent of reaction जो है वो हमारा small है. तो दोस्तों reaction को कैसे लिखेंगे, PCl5 PCl3 गैस प्लस हमारे पास आ गया है Cl2 गैस. इनिशियली इसका कंसेंट्रेशन था A by V, ये था जीरो, ये था जीरो. मान लो X मोल रिएक्ट कर गया तो A माइनस X by V, X by V, X by V, that is the concentration. So KC मेरे पास आ जाएगा दिस इंटू दिस बाय दिस, यानी x बाय v इंटू x बाय v, a माइनस x बाय v, राइट. एंड इफ यू सी दिस कम्स आउट टू बी x स्क्वायर बाय a माइनस x इंटू v. Now, special case के लिए let x is small,
तो a माइनस एक्स को मैं लगभग लगभग a बोल सकता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के सी इंटू ए इंटू वी। तो x आ जाएगा मेरे पास रूट ओवर ए इंटू के सी इंटू रूट वी। अब मैं कैलकुलेशन के आसानी के लिए किया हूं, अदरवाइज इन जनरल भी करता तो यही आता। सो x जो आया है मेरे पास रूट वी के प्रोपोर्शनल आया है एज v increases, x also increases। तो सिंपल सी बात है, extent of reaction increases with the increase in volume of container। मेरा कंटेनर का वॉल्यूम मैं जितना बढ़ाता रहूंगा, मेरा रिएक्शन जो है वो उतना ज्यादा फॉरवर्ड ड्राइव होगा। ये जहां पर हमारा ज्यादा गैशियस मोल्स प्रोडक्ट में है, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर मेरा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड ड्राइव होगा। अब केपी के बारे में अगर बात करूं, अच्छा टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट विल बी ए प्लस एक्स। तो अगर मैं केपी को एनालाइज करना चालू करूं, लेट इक्विलिब्रियम प्रेशर इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। सो पी ऑफ पीसीएल 5 में लिख सकता हूं ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू पी। और दूसरा पी ऑफ पीसीएल 3 दैट इज इक्वल्स टू पी ऑफ पीसीएल 2 दैट इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू पी। ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। एंड इफ वी सी केपी, ये मेरे पास क्या आएगा, एक्स बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स इंटू पी। पी ऑफ पीसीएल 3 इंटू पी ऑफ सीएल 2 बाय पी ऑफ पीसीएल 5। एंड इफ वी सी दिस विल कम आउट टू बी एक्स स्क्वायर इंटू पी बाय ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड नाउ लेट एक्स बी स्मॉल, लेट एक्स बी स्मॉल। तो एक्स अगर हमारा स्मॉल है तो सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, अच्छा एक्स स्क्वायर को जीरो मत लिख देना, फिर तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लगभग लगभग क्या मान सकता हूं, ए स्क्वायर। सो केपी इंटू ए स्क्वायर बाई पी दैट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट। सो एक्स जो आएगा मेरे पास आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू के पी बाय रूट पी। वो कैन क्लियरली सी जो अगर मैं पी को बढ़ाऊंगा तो मेरा रूट पी जो है वो बढ़ेगा, बट रूट पी मेरा है डिनोमिनेटर में। तो सिंपल सी बात है, एज पी इंक्रीजेस एक्स जो है वो डिक्रीज करेगा। सो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, extent of reaction will decrease
विथ इंक्रीज इन प्रेशर, यानी मैं प्रेशर को अगर बढ़ाऊंगा तो मेरा रिएक्शन का एक्सटेंड जो होंगे वो हमारा डेफिनेटली कम हो जाएंगे. सो ये दो केस हम लोगों ने अभी तक देखे हैं होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन में, जहां पर एक केस में डेल्टा एनजी हमारा जीरो है और दूसरा केस में डेल्टा एनजी हमारा ग्रेटर देन जीरो है. तो ऑब्वियसली अब हमें तीसरा केस करना पड़ेगा जहां पर डेल्टा एनजी हमारा लेस देन जीरो हो. लेट्स सी.